नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार उन अभ्यर्थियों को यूपीएससी की परीक्षा में एक बार और बैठने की अनुमति दे दी है जिन्होंने अक्टूबर 2020 में अपनी आखिरी अटेम्प्ट दिया था। बीते शुक्रवार यानी 5 फरवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी। केंद्र सरकार के हवाले से कहा गया है कि यह राहत सिर्फ एक बार के लिए दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के चलते यह निर्णय लिया गया है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में इन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। इससे पहले 1 फरवरी को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह सिविल सेवा में शामिल होने के लिए अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को यह राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दस्तावेज में केंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2021 के दौरान ऐसे अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जाएगी जिनका आखिरी अटेम्प्ट खत्म नहीं हुआ है या ऐसे उम्मीदवार जो विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य कारणों से परीक्षा में शामिल होने के लिए अयोग्य अभ्यर्थियों को भी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में राहत नहीं मिलेगी। केंद्र ने पीठ से यह भी कहा है कि यह राहत केवल एक बार के अवसर के तौर पर सीएसई 2021 के लिए ही लागू रहेगी और इसे मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने केंद्र से कहा कि यह नोट अतिरिक्त मौके की मांग कर रहे करीब 100 अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे वकीलों को दे दें। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी इस बारे में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। 29 जनवरी की सुनवाई में पीठ ने सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल किए थे। कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ इस बार के लिए अतिरिक्त अवसर दिया जाता है तो कितने अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा और यूपीएससी के गठन होने के बाद से अब तक कितनी बार इस तरह की छूट दी गई है। एसवी राजू ने 1 फरवरी की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को बताया था कि अतिरिक्त अवसर दिए जाने पर कुल 3,308 उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा। पीठ ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा में बदलाव के लिए बिना एक बार छूट देने से 3,300 से अधिक उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। 4 अक्टूबर 2020 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में से 100 से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका यह आखिरी अटेम्प्ट था। इन अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सिर्फ एक बार की छूट के तौर पर 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि 4 अक्टूबर 2020 को होने वाली इनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियां कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुई थी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि कोविड-19 से जुड़ी ड्यूटी में लगने के कारण उन्हें तैयारी के समय नहीं मिल पाया, जबकि कुछ का कहना था कि दूर दराज के इलाके में खराब इंटरनेट सुविधा के चलते उन्हें ऑनलाइन अध्ययन सामग्री नहीं मिल सकी। बताते चले कि यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा समेत कई प्रकार की सिविल सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए प्रतिवर्ष 3 चरणों में परीक्षाएं आयोजित कराती है। यूपीएससी प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराती है। इस भर्ती परीक्षा में हर साल करीब लाखों युवा बैठते हैं। वर्तमान में इस भर्ती परीक्षा के लिए आयु की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष और अधिकतम सीमा 32 वर्ष तय की गई है। अधिकतम उम्र सीमा में ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, जबकि एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट है। वहीं किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।